YouTube, welcome back to the channel. You're watching Ranuhammu. So guys, आज हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जहाँ पिज्जे बनते हैं, द बेस्ट पिज्जा इन लाहौर, का नाम है ब्रॉडवे। तो शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख सकते हैं हम ब्रॉडवे पिज्जा आ चुके हैं। हमने अपना ऑर्डर दे दिया, तो अब ऑर्डर लेके बैठे हैं आराम से, इंतजार कर रहे हैं, हैंड वॉश किया है, मुंह हाथ धोया। तो हम ये बताना चाहते हैं, जो आपको पता होगा कि जो जो तस्वीरें ब्रॉडवे के अंदर लगी हुई होती हैं, इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टार्जन बना हुआ है और एक विच बनी हुई है, और इस तरह के जो करेक्टर्स हैं, ये जो तस्वीरें होती हैं ना, ये एंटीक हैं। क्योंकि ब्रॉडवे के जो पिछले सीरीज में आप देख सकते हैं, उनके जो पिज़्ज़ा बॉक्स होते हैं उसके ऊपर तस्वीरें बनी होती हैं, ठीक है, बहुत प्यारी खूबसूरत थी। अब जो है पिज़्ज़ा बॉक्स के ऊपर तस्वीरें नहीं दिखती क्योंकि नई नई आने लग गई हैं। तो जो पुरानी तस्वीरें थी वो उन्होंने दीवारों पर लगाई हुई हैं, ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वाली ब्रांच में हमें वो एंटीक फोटोज़ जो पोस्टर्स होते हैं वो हमें दिखें, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। चलिए A to Z जूम, अब मैं आपको दिखाता हूँ द पावर ऑफ जूम। करेंगे उनके ऊपर क्या बना हुआ है, ठीक है, आइए। ओके गाइस, अब हम पहले पोस्टर के पास पहुंच चुके हैं। ये पोस्टर है द फैंटम ऑफ द ओपरा, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर एक मैजिशियन है और उसकी एक टीममेट उसकी फ्रेंड है, व्हाटएवर। आइए अब दूसरे पोस्टर पर चलते हैं, विच, जो कि एक विच है, इज नॉट अ बिच, शी इज अ विच, ठीक है। हैरी पॉटर वाली इसने चोरी की है उसका जादुई ब्रश, ब्रूम स्टिक, हैरी पॉटर की चोरी की है, तो वो अपनी विक्ट्री का इजहार कर रही है कि मैंने हैरी पॉटर से चमाट मार के उससे छीन लिया, ठीक है। अब तीसरे पोस्टर पे चलते हैं। तो अब आता है हमारा जानी मानी शहजादा, जंगल का राजा टार्जन, हम सबका फेवरेट टार्जन, लंबे बालों वाला जिसके अंदर जुएं होती हैं। अवेलेबल है सारी, कौन सी बारबेक्यू स्पाइसी, कौन सी? अच्छा, ये है ना, क्या नाम है, जलापीनो, वो चाहिए, बारबेक्यू भी चाहिए, जलापीनो बारबेक्यू बस, और एक गार्लिक भी चाहिए, एक गार्लिक। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर वो पोस्टर नहीं बने हुए जो पिछले बॉक्सेस में होते थे। सो गाइज, फाइनली वी आर बैक एट होम, और अब हम शुरू करते हैं अपना चैलेंज वीडियो, एंड आई कांट वेट टू गेट स्टार्टेड। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये हमारा ब्लॉग भी है और एक चैलेंज वीडियो भी है, सही है। सो बेसिकली हम गए थे वाई ब्लॉग, जो कि एक ब्रॉडवे की उधर ब्रांच है। तो अब हम चलते हैं सेटअप करने हर चीज़, और फिर स्टार्ट करते हैं चैलेंज। और ये पीस है, आपको इसके साइज का अंदाजा हो गया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस।
ओके गाइस, लेट्स बिगिन आवर चैलेंज। तो अब मैं यहाँ से एक पीस उठा रहा हूँ। तो ये जो हमने फ्लेवर हम चूज किया है, ये फ्लेवर है विकेट ब्लेंड, इसका नाम है। ठीक है, देयर यू गो। और मैं दिख रहा हूँ स्लाइस है दानू भाई के लिए। मुझे पता है दानू भाई के स्लाइस ये ही होगा, है ना दानू भाई? बिल्कुल। तो वैसे भी हमने मैंने आपको ये खिलाना है। गेम में ट्विस्ट ये है कि ये वाला पीस मैं अपने हाथों से दानू भाई को खिलाऊंगा, और ये वाला पीस मैं हमजा को अपने हाथों से खिलाऊंगा। और टाइम और हमने देखना ये है कि कौन इसको पहले खत्म करता है। तो यहाँ हम लगाएंगे स्टॉपवॉच, इधर इस तरह रखी हुई होती है। तो सही है हमजा भाई, आप रेडी हो जाओ। तो सही है, सबसे पहले हम ये है सिराचा, बहुत ही मज़ेदार था। ओके, थोड़ी सी डालेंगे इसमें भी डाल। ये सॉस में ये वाला मेरा वाला हम लोग। और अब ये सॉस डाल लें। ये कौन सी है? बारबेक्यू ब्रांच सॉस। ओके, ये दिख रहा है, आ रहा है ये इसमें। सही है, पहले मैं स्टार्ट कर, मैं करता हूँ। नहीं मैं करता, तुझे करना है। मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, पेप्सी पी सकते हो? पेप्सी मैं इधर रख देता हूँ। चलो सही, हाथ में रख लेता हूँ। नहीं सही है, मैं स्टार्ट करने लगा। मैंने तो सिर्फ चबाना है। चलो सही है, मैंने अपने हाथ यूज़ किया। ऑलराइट ऑलराइट, 1, 2, and 3। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हमजा भाई अपना हाथ सिर्फ पेप्सी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, और मैंने इनको बस खिलाना है। तो जल्दी खाओ बेटा जी। पहली दफा मैं हमजा भाई को अपने हाथ से खिला रहा हूँ। इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी भी हमजा भाई को अपने हाथ से खिलाया। ओके, 3 सेकंड, 2 बाइट में 3 सेकंड हो गए। वाह, बहुत ही भूख लग रही थी। चलो, विकेट ब्लेंड हम तो भाई, कैसा फ्लेवर है विकेट ब्लेंड? बताओ जल्दी से। बोलते भी जाओ। बारबेक्यू सॉस वाला है। और जो हमने सिराचा डाला है, सिराचा कैसा लग रहा है? स्पाइसी, पसीने छूट गए ना? कहा था ना गाइस, स्पाइसी की मिर्च खा के लगे पसीने छूट जाते। ओके, हरी अप। जल्दी। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं गाइस कि आपको ये सो फार चैलेंज कैसा लग रहा है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि बगैर अपने हाथ इस्तेमाल किए आपको कैसा लग रहा है खाना? बहुत मजा आ रहा है। पहले पूरा खत्म ही नहीं, बहुत नहीं होगा, पहले पूरा फिनिश करना है, यही तो एक चैलेंज है। ऑलराइट, टू मिनट 43 सेकेंड। मैंने कभी इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अभी दानियल के हाथों से यार, मैंने तो पहली दफा ही, बहुत ही मजे का टेस्ट था आपसे। ओके गाइस, दानियल की बारी आती है। चलो टाइमर स्टार्ट करें। बारी आती है दानियल भाई की, देखते हैं कि दानियल भाई इतने मिनट में खाते हैं। और आपको पता है मैं दानियल की फिंगर भी बाइट करने लगा था, शुगर से हाथ बचा लिया मैंने। मुझे भी बचाना पड़ेगी अपनी। ओके, पेप्सी मैंने इधर रख ली है। I'm ready to get started. 3, 2, 1, go. Bismillah. I'm ready. Kalo. खाओ जल्दी जल्दी चबाना है। यही गेम ब्रेक ये है कि बस जल्दी जल्दी जू करना है अपने। मुझसे नहीं हो पाएगा। ट्राई तो करो, क्या पता तुम जीत जाओ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मुश्किल है। सही सही सही, कोई बात नहीं। ओके, टेक टू। चलो बिस्मिल्लाह। तो दानियल भाई को लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। करो, लेकिन खाना तो पड़ेगा, यही चैलेंज है, बस टाइम बीट करना है। रेडी, इधर से इधर। ट्रिक ये है कि इसको फूड को जल्दी जल्दी चबाना है। सही है, ऐसे ही हम चैलेंज जीत पाएंगे, वरना हमें से कोई ना कोई हार जाएगा। अभी भी टाइम है, चलिए खाओ।
ठीक है। कोई दिल्ली नहीं है, पेप्सी है आपकी। Come on, Danny, you all do this. You can do this. ये हमारा सबसे टफ मैच है। आपने देखा मेरे हाथ भी जाने वाले थे। नहीं अभी पॉज नहीं करना, अभी मेरी उंगलियां भी जाती, अभी कहाँ जाती पर मुझे पता। खा चुका 2 मिनट और 1 सेकंड के अंदर। दानिल भाई कितना था? मेरा 43-45 था, यानी ये राउंड में जीत गया। ये राउंड दानिल भाई जीत गए, उनको एक पॉइंट मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट और मेरा 0। अब करते हैं टेक टू। अब हम खाएंगे ये वाला, ये वाली स्लाइस हम लेंगे, इसका नाम है अरबिक रेंच। अरबिक रेंच है बिल्कुल। ओके गाइस, सो अब मैंने ये एक पीस निकाल लिया, तो मैं बाकी अंदर रहने दूंगा ताकि वो ठंडा ना हो। रहा है भाई के लिए तैयार कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ये अरबिक रेंच है, जैसे कि आपको बताया है ऑलरेडी, सॉस जो उनकी होती है कौन सी है आप गैस कर सकते हो। इसके अंदर मेरे ख्याल से जलापीनो सॉस डाली हुई है, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा सिराचा भी डाल दिया, ठीक है, सिराचा ये काफ़ी है। और अब स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। आर यू रेडी? अब आती है बात मेरी। सही है, मैं रेडी हूँ। राउंड टू। ओके, 3, 2, and 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1, 2, 3, गो। ओके, इसको मैं सोच रहा इस तरह फोल्ड कर दूँ। फोल्ड, चलो यूं खाने में आसानी होगी कि नहीं? यस। So time है 22 seconds and you are halfway done. थोड़ा सा इसमें dip कर देता हूँ आपके लिए। चलो alright. Oh there you go. Oh yes, nice bite. There you go. Okay. थोड़ा सा रहता है और अच्छा कि सिराचा सॉस का जायका आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत आ रहा होगा। और 1 minute and 3 seconds. वैसे ये वाला आइडिया ज़्यादा बेहतर है ना कि हम यूँ करके खिलाएँ, ये मुश्किल होगा, और इस तरह सैंडविच बना के खाने का आइडिया अच्छा है। तो आप भी हमें बताइएगा गाइस कि आप भी इस तरह खाते हैं नहीं। 50% लोग खाते होंगे लेकिन 50% नहीं। चलो 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 1 minute 25 seconds। ओके, पहले राउंड तो मैं जीत चुका हूँ। एंड लुक एट द जूसी फ्लेवर। ये अरबिक रेंच आपको कैसी लग रही है? बोटियों वाला है, सऊदी लोगों को बोटियाँ पसंद है। देयर यू गो। ये तो मैंने बहुत आसानी से ख़त्म करवा दिया हम लोगों ये सैंडविच। अभी 1 minute 56 seconds बस ये रह गया है, क्वार्टर थोड़ा सा। आई थिंक यू गोना फिनिश दिस वेरी अर्ली, आई गेस, आई डोंट नो फॉर श्योर। 2 मिनट्स तो हो गए हम लोग भाई। आपको क्या लगता है हम लोग भाई? देयर यू गो। Oh yes, what a beautiful bite. Nice. I guess 1 bite और रह गई है और 2 minute 31 seconds हो चुके हैं। अच्छा, तो हमने दुकान वालों से भी पूछा था कि आप ये कितने स्लाइसेस खा सकते हैं, तो उन्होंने बोला हमें अगर ज़्यादा भूख लग रही होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लाइस खा सकते हैं। तो हमारा चैलेंज ये है कि 3 स्लाइस खा लेना या इससे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें टारगेट 2 स्लाइस का दिया कि 2 स्लाइस ज़्यादा से ज़्यादा इनफ होते हैं, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे 3 स्लाइस, ठीक है। और अगर और गुंजाइश होगी तो देखा जाएगा। एनी हाउ, जो पॉइंट है वो आपको मैं इसके बाद बताता हूँ। ये पूरा खा ये बच गया। ये बहुत ही मुश्किल है, ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है गाइस। मुझे लग रहा था कि ये हम आसानी से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब मुझ पे आई, मैंने खा के देखा तो मुझसे नहीं खाया जा रहा था। आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो। बस ये इतना सा हिस्सा रह गया और हमजा भाई को 3.34 seconds हो गए। हमजा भाई को निकला ही नहीं जा रहा, इनकी तो हालत खराब हो गई है 2 स्लाइस के ऊपर। इशू था मुझे, 2 मिनट हो गए यार, तो पहले 2 मिनट खाया था, 4 हो गए। ओके फिनिश।
इसमें कोई गिव अप का ऑप्शन नहीं है क्या? क्योंकि मेरी हो गई है गिव अप, बहुत ही मुश्किल है, बहुत हार्ड है एक तरह से। सब चैलेंजेस पिछले सब चैलेंजेस से बहुत ही मुश्किल, अब मेरी गिव अप हो गई है। दरअसल बात ये है कि अभी सेकंड पर्सन हमें खिला रहा है, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है सिर्फ कि हमने वो माउथ में रखना और च्यू करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी टफ है कि भाई दूसरा बंदा खिला रहा है, बल्कि दूसरा खान है, ये बहुत ही टफ है यार। मैंने गिव अप कर दिया, तो मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि मेरा एक्सपायर चलता है। हमदा भाई ने 4 मिनट अप्रॉक्सीमेटली इसको कंप्लीट किया है, तो इसको मैं इधर रखता हूँ। ओके आई एम रेडी। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ओके लेट्स गो। ये अरबिक रेंज बहुत ही टेस्टी है, आई मस्ट से। चलो अब आती है बारी ट्विस्ट करने की, तो बिस्मिल्लाह बीबी। आपने खुद ही खाना है, ठीक है ना, मैं बस हाइट आपके मुंह के पास कर रहा हूँ बस, ठीक है। क्वाइट डिफिकल्ट, डोंट ट्राई दिस एट होम, रीड बाय योरसेल्फ, ये भी बात। आई एम द किंग। ओह अल्लाह, वन पॉइंट टू मिनट हो गए हैं। मुझे थक गया यार। वाकई ये थका देने वाला चैलेंज है, ये राउंड हारना है क्या? तो जल्दी खाओ। मेक श्योर टू च्यू योर फूड 31 टाइम्स बिफोर यू स्वालो। चलो जी टाइम है। ओह यस, ओपन योर माउथ। खा चुका गाइस, आई फाइनली मेड इट 34। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, ये चैलेंज हम वाकई में गिव अप कर चुके हैं। वो आदमी सही कह रहा था कि आप दो से ज्यादा नहीं खा सकते, और हमसे भी ज्यादा खाया जा रहा है। लेकिन एनी हाउ ये हम चैलेंज जीत गए हैं, और इसका विनर हूँ मैं, जीता। I'm the winner. लेकिन नो प्रॉब्लम, हार जीत हो जाती है और ये गेम का हिस्सा है। फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव मेड दिस चैलेंज। ये चैलेंज बहुत ही मजे का था, सब चैलेंज में से टफ भी ये था, मजे का भी ये था। ऑसम, मजा आ गया यार। लेकिन गाइस आप भी ट्राई कीजिए, किसी और के हाथ से खाने में बहुत ही मुश्किल होगा। आई एम बेटिंग ऑन यू। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय वॉचिंग अस, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट चैलेंज, एंड इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह लवली डे, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अब बारी है फीडबैक की। बिल्कुल, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, और दिमाग जो सोचता है कि हाँ ये एक खाने की चीज़ है और हम इसको हम खा रहे हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल सही है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ये खिला रहा होता है अपने हाथों से, तो वो बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी और एक डिफरेंट, एक अलग मुश्किल, वो एक जो भी नाम है वो आप बोल दो, वो एक्सपीरियंस है ये वाला, सही है ना। एक माइंड जो होता है वो समझ नहीं पा रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और एकदम जबड़े दुख जाते हैं कि यार ये तो अभी भी जो चीज़ है ना, ये और ये जॉब, ये थक गए तो वाकई में मेरे भी थक गए थे, और एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि यार टाइमर चलाया हुआ था यार, और मैं तो अपने लास्ट ग्लास के अंदर टाइमर ऑन करना भी भूल गया था। तो एकदम दिमाग कंफ्यूज और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये एक ऐसा चैलेंज है। ओवरऑल बात रही पिज्जा की, पिज्जा हमेशा से और इस बार भी बहुत ही मजे का था, 10 out of 10, और ब्रॉडवे वाले बहुत ही मजेदार पिज्जा बनाते हैं, और हम हमेशा से ब्रॉडवे वालों का पिज्जा टेस्ट किया है, बिल्कुल कोई हमें अच्छा नहीं लगा। इनका टेस्ट जो है ना, इन्होंने समझ लो कब्जा कर लिया है, कब्जा किया। और अगर फैमिली के साथ जाए तो उनकी जो खातिर मदारत होती है बहुत ही आला किस्म की होती है, और एकदम अमेजिंग होती है, बहुत अच्छा स्टाफ होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। दूसरी बात ये, बल्कि जो पेप्सी होती है वो गिलास में अभी तक डाल के देते हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अच्छे लोग हैं। और ये चैलेंज बहुत ही अच्छा था, ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं ये चैलेंज अपने घर वालों के साथ, और अगर छोटी सी वीडियो बनानी हो तो आप हमें ईमेल या हमें कहीं भी सेंड कर सकते हैं, तो हम वो नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर शोकेस कर सकते हैं आपकी वो वीडियो। और बिल्कुल, और चौथा पॉइंट ये है कि आप भी हमें बताइए कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और ओवरऑल हमारी फीडबैक 10 out of 10 है। बिल्कुल, और हमें बहुत ही मज़ा आया एक्सपीरियंस करके, और बहुत ही आला था, लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया, तो हम शाबाशी खुद को देते हैं।
और कि हमने कर दिखाया। एक और बात सही कह रहे, हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम बंदे तीन खा लेगा यार, हाँ, ज्यादा आराम से ज्यादा सर, लेकिन हमसे नहीं एक्सटेंड हो पाया, हम थक गए थे। बात रही स्लाइस की, हमें लग रहा था कि हम तीन खा जाएंगे आराम से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, वो ठीक कह रहे थे कि बंदा जो भूख भूख में मिनिमम दो खा लेता है, इससे ज्यादा नहीं खाता, और हमने भी सुबह नाश्ता किया हुआ था और यानी हमारा भी पेट भरा हुआ नहीं था। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी और इन्जॉय किया, अगर आपने एंड तक देखी है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपने एंड तक वीडियो देखी है, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर। साइनिंग आउट।